आज हम एक एरर के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लू स्टैक से रिलेटेड होती है। अचानक हमारा कभी ब्लू स्टैक क्रैश हो जाता है और जब हम ब्लू स्टैक उसके बाद स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने एरर आ जाती है। ब्लू स्टैक्स ऐप प्लेयर की एरर है CodeTitans.JSon.JSonReaderException। इनवैलिड टोकन कुछ फाउंड हो रहे हैं तो वो हम टोकन सही करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल से स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, बस वो फॉलो करना आप और एकदम से आपकी एरर सॉल्व हो जाएगी और आराम से ब्लू स्टैक चलाओ, एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस चलाओ। तो चलते हैं देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, विंडो की दबाएं और आप लिखें REGEDIT, यानी रजिस्ट्री एडिट बोलते हैं, REG फॉर रजिस्ट्री और एडिट। आप यहाँ से भी डायरेक्ट विंडो की दबा के और ये राइट करके यहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर विंडो R की दबाएं और वहाँ वो सेम लिख दें, दोनों चीज़ें हैं आपके सामने, ये खुल जाएगा। ये देखिए ये रजिस्ट्री एडिटर खुल गया, ये हमारी सारी एप्लीकेशंस, हमारे यूजर्स, मतलब हमारी मशीन का पूरा रजिस्ट्री एडिटर होता है। यहाँ पे आके हमें थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी है कुछ, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे H की लोकल मशीन, क्योंकि हम लोकल मशीन पे कर रहे हैं तो यहाँ आप क्लिक करिए H की लोकल मशीन, ये आ जाएगा। देखिए पाथ बस ध्यान रखना है आप, H की लोकल मशीन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर क्योंकि सर्च करना है हमें, यहाँ सब टाइप की आपकी रजिस्ट्री होती है यहाँ पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एप्लीकेशन जो भी आपकी है। सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कहाँ आना है, ब्लू स्टैक, क्यों हम ब्लू स्टैक की बात कर रहे हैं, और ब्लू स्टैक के अंदर आपको गेस्ट पे आना है, ठीक है, और गेस्ट के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड पे आ गए हम, और उसके बाद आपको फ्रेम वफर राइट पैन पे आपको ये चीज़ खुली मिल जाएगी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले गेस्ट हाइट, गेस्ट हाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। डेसिमल चूज कर लीजिए पहले और यहाँ पे बस ये चेंज कर लीजिए, ओके 720 ध्यान रखना है। गेस्ट बिड्थ पे आ जाएंगे आप, फिर डेसिमल में आ जाइए और विड्थ आप डालिए 1320, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद विंडो हाइट पे आ जाइए और विंडो हाइट में फिर डेसिमल चूज करिए और विंडो हाइट पे आप आ जाइए 480 डाल दीजिए यहाँ पे। विंडो विड्थ पे आ जाइए और यहाँ पे डाल दीजिए आप 920, दैट्स इट। इसको बंद कर दीजिए, यहाँ का काम आपका ख़त्म हो गया है और बस उसके बाद आप ब्लू स्टैक चलाएं अपना और आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। इसके बारे में बस मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि देखिए ये एंड्रॉयड के एप्लीकेशन चलाने के लिए एक विंडो पे डाल रहे हैं हम प्लेटफॉर्म, तो कई बार कंपेटेबल इशू होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, हमारे विंडो के साथ कंपेटेबल इशू होते हैं और कुछ क्रैश हो जाता है, फिर दोबारा एप्लीकेशन नहीं चलती। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी आपकी अगर ब्लू स्टैक में और इस जो मैंने सोल्यूशन बताया इससे अगर वो सही नहीं होती है तो मैं आपको दूसरा सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप कहीं भी सर्च करेंगे कितना भी मेहनत करेंगे नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, ब्लू स्टैक को अनइंस्टॉल कर दो, कहाँ जाके विंडो R दबाइए और यहाँ लिखिए ऐप विज डॉट सी पी एल, ठीक है, और ओके करिए। ये आपके सामने प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से प्रॉपर अपना ब्लू स्टैक आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें, यह है, इस पर आप बस डबल क्लिक करेंगे ना तो वो अनइंस्टॉल के लिए पूछ लेगा, ये देखिए प्रॉपर तरीके से आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें और जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी ब्लू स्टैक वहाँ से उसे दोबारा इंस्टॉल कर लें। और मैं तो बस ये आशा रखता हूँ कि आपकी इस तरीके से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आपको अनइंस्टॉल इंस्टॉल का कोई इशू ना आए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स में, टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।